हेलो फ्रेंड्स, आज 18 फरवरी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। आज का प्लान है कि आज राज्यसभा सांसद श्री इमरान प्रतापगढ़ी से मिलने जाना है, तो इसके लिए तैयार होना है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं निकल चुका हूँ अभी प्रयागराज स्टेशन के लिए। वहाँ पर अभी प्रयागराज एक्सप्रेस से माननीय सांसद जी आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे मैं आपको अपडेट देता हूँ। सुबह के 6:45 बज चुके हैं और अभी भी बिल्कुल रोड पर सन्नाटा है। यहाँ पे देखिए, कल अभी एक शादी थी, इस वक्त यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये अभी आप रोड पे देख सकते हैं कि कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ ही हैं जो अभी जा रही हैं। ज़्यादातर ये मुंडेरा मंडी के अंदर ये गाड़ियाँ जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। बाकी का आपको टाइम टाइम पे अपडेट, जैसा कि मैंने बताया था, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इस वक्त मैं जलवा में हूँ, अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बस आने ही वाले हैं, तो फिर साथ में हम लोग स्टेशन जाएंगे। अभी जिस मित्र की बात कर रहा था, तो जितेश भाई आ गए। अब हम दोनों लोग साथ में निकल रहे हैं स्टेशन पर, फिर वहाँ पर मुलाकात होगी आप लोगों से। हम लोग पहुंच गए इलाहाबाद स्टेशन पे और अब वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का। जितेश भाई फूल लेकर के खड़े हैं, एकदम तैयार। भैया मैं भेजा हूँ मैसेज। हाँ बस ए समीर भाई आ जाइए भाई। जिन्हें कबूल नहीं राह हक में सर देना, जिन्हें कबूल नहीं राह हक में सर देना, हमारे मुल्क को ऐसे नराहबर देना, हमारे मुल्क को ऐसे नराहबर देना। मैं जंग लड़ने चला हूँ तेरे भरोसे पर, मैं जंग लड़ने चला हूँ तेरे भरोसे पर, तुम अपना जोर मेरी बाजुओं में भर देना, जोर मेरी बाजुओं में भर देना, मुझे महाज बनाना है जालिमों के खिलाफ, मुझे महाज बनाना है जालिमों के खिलाफ, मेरे खुदा मेरी आवाज में असर देना, मेरे खुदा मेरी आवाज में असर देना। मैं जंग लड़ने पता नहीं भाई, सामूहिक विवाह। आप सभी कुछ कर रहे हैं, आने वाले वालों के लिए रास्ता हम लोग छोड़ देंगे। मित्रों, आज इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे श्री नारायण यादव भैया ने निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को जो स्वरूप दिया है, उसके लिए मैं चंद पंक्तियां लिखा हूं, जिसे आप सुनिएगा। कई कई रात नींद न लगना, पागलों की तरह कार्यक्रम की योजना बना देना, परिवार के सदस्यों से कभी न मिलना, बेटा बेटी के जन्म आदि पर न पहुंच पाना,
काम किसी का भी हो हमेशा याद रखना, मिलने पर गले से लगा लेना, दुख कितना भी हो हंसते हुए बोलना।